सभापति साहब, हमारा एक साथी था, उसका नाम था सिद्धू मूसेवाला। एक कलाकार था, दुनिया में उसका नाम था, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, उसके गाने पर दुनिया झूम उठती थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति साहब, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में हर तीसरे दिन सिद्धू मूसेवाला बजता है। बिलबोर्ड, जो बिलबोर्ड दुनिया के 100 गाने, उनमें से सिद्धू मूसेवाला हर रोज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति रहता है। उसके साथ हुआ क्या, मैं आज इस सदन को जानकारी और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या हुआ 28 साल के नौजवान के साथ। हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं हिंदुस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ये कहते हैं कि हम हैं, चिंता मत कीजिए, लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार मार कर, 10 गोलियां मारकर दिन दिहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने सभापति साहब? बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा, मैंने मारा है, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा, जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? क्या होगा 28 साल का नौजवान जिसकी मां के एक बेटा था, एक, और बिना शादी के, शादी के ब्याह में हमारे सर पर सेरे बांधे जाते हैं, सेरा बंदी होती है, आपके भी होती है। डेड बॉडी पड़ी, डेड बॉडी पर मेरी उस मां ने, सिद्धू मूसेवाले की मां ने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर, सर पर सेरा बांध के उसकी विदाई की। ये हालात है, आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं और जेलों में बैठे ऐसे गैंगस्टर को आप निकाल के उस परिवार को इंसाफ दें।